हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीट सिस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी 9:08 हो रहा है, हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। तो आप लोग इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए, मम्मी अभी बना रही हैं आलू के पराठे और साथ ही अरबी और आलू की सब्जी पापा के लिए। तो गाइस, मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए और स्वीट सिस्टर की मम्मी जा रही है वृंदावन के लिए। अभी आप टाइम लंच वगैरह बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो फिर ये दिखाएंगे आपको वृंदावन से क्या क्या देखते हैं, तो एक्सप्लोर करेंगे वहाँ जाके। तो मिलते हैं फिर हम आपसे वृंदावन में अभी, और जो ये बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग निकलने के लिए हो चुके हैं रेडी और साथ ही हमारे बैग भी पैक हो चुके हैं। ये रही परी, तो आपसे मिलेंगे। हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो भी पहुँच चुकी है वृंदावन में। अगर हमें मिले तो आपको भी दिखाएंगे। और अभी हम निकल रहे हैं मेट्रो के लिए, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, अभी आपको दिखाते हैं। आगे चल रहे हैं मम्मा और दीदी और अब हम लेंगे अपनी बल्लभगढ़ की मेट्रो। और दीदी के पास तो कार्ड है, मेरा भी टोकन लेंगे। दीदी यहाँ पर मेरी टोकन लेने के लिए लाइन में लगी है, करवा रही है कार्ड रिचार्ज। तो यहाँ पे गाइस, अभी हम लोग ले रहे हैं अंदर एंट्री अपने कार्ड से और जो परी का टोकन लिया है उससे। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री ले लेते हैं मेट्रो स्टेशन पे, फिर आपको दिखाएंगे आगे। अरे खुला तो है, आ जाओ। खुला है या फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे वॉलेट लाइन को फॉलो करेंगे अपनी मेट्रो के लिए। गाइस, अभी हम लोग मेट्रो में बैठ गए हैं, यहाँ पे अभी हम उतर रखे हैं तुगलकाबाद पे और यहाँ से अब हम लेंगे अपनी बल्लभगढ़ की मेट्रो, क्योंकि हमने देखा नहीं इस बदल को। ये रिपेयरिंग, ये सोकर आ रही है पूरी मेट्रो। तो यहाँ पे हमने तुगलकाबाद से ले ली अपनी दूसरी मेट्रो बल्लभगढ़ तक की। जब हम बल्लभगढ़ पहुँच जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो अब हम लोगों ने बल्लभगढ़ से ले ली है अपनी कोसी तक की बस और अपना बैठ भी चुके हैं और परी को उसकी मन पसंदीदा सीट मिल गई है, विंडो सीट। तो गाइज, वैसे तो हर बार हम लोग सबसे पहले वृंदावन जाते हैं लेकिन हमारा बनता हर बार पहले बरसाने का अप्रूव रह जाता है। आज भी हम लोग पहले बरसाने जाने वाले हैं, अब देखते हैं कि हम लोग जा पाते हैं या फिर नहीं। तो अब यहाँ पे कोसी पर उतरने के बाद हम लोगों ने ले लिया है ऑटो रिक्शा और ये हमें लेकर जाएंगे बरसाने तक। तो यहाँ पर बाहर आप देख सकते हो पूरी हरियाली हो रखी है और ये सारे खेत आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे गेहूं के खेत हैं। और गाइस, अब हम लोग पहुँच चुके हैं बरसाने और अब जल्दी से ले लेते हैं अंदर एंट्री। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं मम्मी की फ्रेंड पूजा दीदी की शॉप पर, जहाँ पर हम रखने वाले हैं अपने बैग और स्लीपर्स। और अभी यहाँ पे पूजा दीदी थी नहीं, वो भी घर पर जा रखी हैं। पूजा दीदी की जगह पर बैठी थी पूजा दीदी की छोटी बहन। तो अब हम लोग अपना प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बहुत जल्दी बरसाना पहुँच गए थे और अभी तक लाडली जी का द्वार नहीं खुला था, इसलिए हम लोग सबसे पहले परिक्रमा करने वाले हैं और उससे पहले पी रहे हैं हम लोग लस्सी। तो यहाँ पर हमारी लस्सी आ चुकी है और लस्सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। अब परिवार अपनी लस्सी पीते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पे गाइस, अभी हमने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी है बरसाने की, परिवार में पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं बरसाने की। तो यहाँ पर आप पूरी चित्रकारी देख सकते हैं, ये आपको बरसाने की परिक्रमा करते हुए मार्ग में देखेंगे और परिवार में पहली बार बरसाने की परिक्रमा कर रहे हैं। ये सिर्फ 45 मिनट तक की परिक्रमा है, अगर आप लोग आराम आराम से करेंगे तो एक घंटा लगेगा। तो अभी हम लोगों ने भी अपनी परिक्रमा शुरू कर दी है बरसाने की। ये देखो, एकदम शांति हो रखी है, अभी हम लोग अपनी परिक्रमा कर रहे हैं, धूप में परी पैर जल रहे हैं। ये श्री कृष्ण भक्त शनिदेव, ये देखिए चारों तरफ, वो देखिए महल दिख रहा है ऊपर, ये जो ऊपर आपको मंदिर दिख रहा है ये कुशल बिहारी मंदिर। ये देखो पूरी रेत ही रेत है। तो यहाँ पे परिक्रमा मार्ग में या फिर धाम में जितने भी वृक्ष आ रहे, जितने भी पेड़ आ रहे हैं, आपको उन सबको गले लगाना चाहिए, उन सब में कृष्ण जी और राधा रानी वैसे हैं हर लता में, यहाँ श्री जी और ठाकुर जी हैं। तो यहाँ पे परिक्रमा मार्ग के वक्त ही परी और मैंने अपनी सास बहू की शॉर्ट्स बना ली थी, यहाँ पे ज़्यादा लोग थे नहीं तो इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था, शोर शराबा नहीं था, इसलिए हमने आराम से अपनी शॉर्ट्स बनाई थी। तो
तो यहाँ पे अब परिक्रमा मार्ग में हमें यहाँ पे देखिए साकरी खोर बूढ़ी लीला, और ये इस इन पूरे दृश्यों में आपको साकरी खोर बूढ़ी लीला की हर एक एक चीज़ बता रखी है। आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये पूरे दृश्य में आपको बता रखा है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ भी कुछ लीलाएँ बता रखी हैं, जैसे कि दोहिनी कुंड लीला, इसमें जो कृष्ण जी हैं वो गायों का दूध निकालते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बरसाने की परिक्रमा के बारे में पहले भी पता था लेकिन हमने कभी करी नहीं थी, लेकिन आज हम कर रहे हैं। यहाँ पर मम्मी वो कुछ बातें बताएंगी। आप लोग बरसाने की परिक्रमा जरूर करें क्योंकि बहुत छोटी परिक्रमा है, मात्र 30 से 45 मिनट लेंगे। धीरे धीरे चलोगे तो एक घंटा, 2.5 या 3 किलोमीटर की परिक्रमा है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे अंदर वृक्ष में, और अभी दिखाएंगे साखरी को, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। साखरी मतलब छोटा सा रास्ता है, इतना बड़ा इसमें वो है बता रहे साखरी को। तो यहाँ पे देखिए आगे जो ये बाबा जी हैं वो बता रहे हैं इसके बारे में। ठाकुर जी इशारा मार देते हैं वाल वालों को, तो बाकी सारी मटकी लेकर माखन खाते रोल देते हैं, किशोरी जी की मटकी रह जाए। ठाकुर जी कहते हैं कि राधे अब तो माखन खिला दो, तो आपकी मटकी रह गई है। गोपियों के संगवाल वालों ने तो नहीं, तो राधा रानी ना तो हाँ करती है ना करती है, क्योंकि हाँ करें तो रीत जाए। यशवंत बाबा नंद बाबा ने काका भी माखन दूध देंगे, तो वो रीत जाए, कोई लेन देन का वार नहीं है, माखन दूध देंगे तो ना करें तो प्रीत जाए। राधा कृष्ण आपकी प्रीत हो जाए, इसलिए हाँ करती है नहीं ना करती। ठाकुर जी समझ जाते हैं, तो वो स्वयं मटकी लेकर चुके हैं बरसाना के साखरी खोर परिक्रमा मार्ग में। साखरी खोर ये बहुत पतला सा रास्ता है, ये देखिए ये आ रहे माही परी, इनको पहाड़ जैसी फीलिंग आ रही है, अपने उत्तराखंड जैसी आ रही है इनको, पकड़ पकड़ के। राधे 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 श्री हरिवंश। यहाँ पे आप परिक्रमा मार्ग के एक एक घर देखेंगे, बिल्कुल आपको ब्रज वाली ही फीलिंग आएगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। तो यहाँ पे गाइस अब हम पहुँच चुके हैं श्री राधा दान बिहारी जी मंदिर में, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर था ये। हम आपको अभी आगे चल के दिखाते हैं, मंदिर के जो पट हैं वो भी खुले हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे तोते हैं और इतना प्यारा दृश्य यहाँ से हमें देखने को मिल रहा था। तो यहीं पर ही थी गौ माता, और ये जो दान बिहारी जी का मंदिर है बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग बरसाने की परिक्रमा करें आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए। तो इस मंदिर की ये महिमा है कि यहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण थे जिनको अपनी बेटी की शादी करनी थी और वो उतना धन इकट्ठा नहीं कर पाए थे, तो जो कृष्ण जी उन्होंने राधा रानी जी के वजन के बराबर का सोना इकट्ठा करके उनको पैसे दान में दिए थे। और आप जो ये देख रहे हैं इसमें हरियाली तीज पर झूला लगता है। तो इधर देखो मंदिर के बाहर मम्मी बना रही नींबू पानी, हम लोग ने सब नींबू नमक खांड, ये हमारा नींबू पानी बन के रेडी है, तरावट के लिए पानी। तो यहाँ पे अब लाडली जी का दरबार भी खुल चुका है, हमारी परिक्रमा भी समाप्त होने वाले, तो अब हम यहाँ को जा रहे हैं लाडली जी के दरबार को। और ये वहाँ की पूरी मार्केट है, आप देख सकते हैं मार्केट इतनी अच्छी सजी हुई है। यहाँ पर हमने भी मेहंदी लगवाई है, वो अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर परी की मेहंदी लगना शुरू हो रही है, और परी ने एक हाथ में भी मेहंदी लगवाई थी आगे और पीछे। ये माही की लग रही है, ये बरसाने में इसीलिए आते हैं मेहंदी लगवाने। तो मैंने मेहंदी लगाई शाम तेरे नाम। इनका बेटा देखो कैसे खुश हो रहा है, वीडियो देख वीडियो बनाने में कितना खुश हो रहा है। अच्छा लड़की कोई बात नहीं, राधा रानी का है ये। देखिए यहाँ पर हम आ रखे हैं अभी बरसाने, और अभी हमने दर्शन भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे गाइस हम अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं, अब आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ही खूबसूरत सज रखा था राधा रानी का दरबार, बहुत ही सुंदर लग रहा था, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए नीचे की बसावट जहाँ से अभी हम पूरी परिक्रमा करते हैं मंदिर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर अब हम राधा रानी के दरबार में, और कीकली ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अभी परिवार में कर रहे हैं अपनी कीकली।
तो यहाँ पे अब हम ले रहे हैं अपनी एग्जिट। हमने जब स्टार्ट करा था हम परिक्रमा से करा था, इसलिए ये दरबार हमें देखने को नहीं मिला था। अब आप देख सकते हैं श्री लाडली जी महाराज। पंखे ना बिना लाइट के चल रहे हैं, बिना स्विच वगैरह, ये हवा से चल रहे हैं भाई कुछ कुछ। लेकिन ये क्यों नहीं चल रहे, ये भी तो चल रहे हैं, वो भी चल रहा है। यहाँ पे महल से निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे अंदर आके खा रहे हैं अपने सैलेड क्यूकम्बर का खीरे का। हमने सलाद लिया था, बहुत ज़्यादा टेस्ट है, एकदम नमकदार, नींबू मिर्च मसाला डाल के। तो यहाँ पे बरसाने में भी हमने शॉट्स शूट कर ली थी अपनी सास बहू की, क्योंकि उसमें हमें बरसाने के नाम से शूट करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पर शूट करी। और वी होप आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर अभी सास बहू की वीडियो शूट करने के बाद हम लोग अपने लिए भेल बनवा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मसालेदार बनी थी ये। यहाँ पे हमारी मसालेदार भेल उनकी रेडी हो चुकी थी और मम्मी और परी खा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे लाडली जी के दरबार से निकलने के बाद हमें दिखा प्राचीन अष्ट सखी मंदिर। यहाँ पे हमें राधे रानी की अष्ट सखी यानी आठ सखियों के दर्शन होने वाले, और हम लोगों ने भी पहली बार देखा। तो अभी आगे चल के आपको भी दिखाते हैं। पूरी राधा रानी की आठ सखियाँ विराजमान हो रखी हैं, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हम लोग ने पहली बार इनके दर्शन करें, हम लोग हर बार बरसाने तो आते हैं, लेकिन आप थोड़ा अगर बरसाने की तरफ को और जब दरबार से निकलेंगे राधा रानी के, तो आपको रास्ते में ही दिखेगा प्राचीन अष्ट सखी मंदिर, आप लोग ज़रूर से दर्शन करें, बहुत ही सुंदर दर्शन हमें भी हुए हैं। यहाँ पर अभी हमें मिल रहा है चरणामृत। तो यहाँ पे भी बरसाने के बाद हम लोग ऑटो में बैठ गए थे, और ऑटो में बैठने के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं मेरो वृंदावन। हमने वृंदावन में एंट्री ले ली है। तो यहाँ पे वृंदावन में एंटर करते ही हमें सामने दिखा माँ वैष्णो देवी का मंदिर, और यहाँ पे नवरात्रि की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और रौनक देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरे रास्ते सोते हुए आ रही है। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रूम में, लेकिन अभी हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि खाने के लिए देखने वाले हैं अपना। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, सब्जी रोटी दाल। गाइस ये है मारवाड़ी थाली, बहुत स्वाद होती है मारवाड़ी विदाउट अनियन एंड गार्लिक, मटर पनीर मिक्स लहसुन प्याज। और ये देखो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने अपना खाना खा लिया है, और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने मिक्स वेज ना दोबारा मांगी है, बहुत टेस्टी थी होगी। तो चलिए गाइस इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। इस व्लॉग में हमने आपको बस बरसाने तक का ही दिखाया है, जल्द से जल्द अगला व्लॉग भी डालेगा। उस व्लॉग को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की वॉचिंग स्वीट सिस्टर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।